अभी एडमिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि आप जान रहे हैं कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऑलरेडी होने वाला है, तो आप काफ़ी लेट हो चुके हैं। आप न्यू सेशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, यानी कि जनवरी से। अच्छा, जनवरी वाला है मीसेट, आप उसके थ्रू फिर से मतलब टैलेंट रिवार्ड एग्जाम दे सकते हैं। कैसे एक बार सर इसका प्रोसेस का कैसे इसमें प्रोसेस ये है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और आप मेंटर्स के मतलब ये मेंटर्स के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके और मतलब ज़्यादा जानकारी इसके बारे में आप ले सकते हैं। लेकिन आपके तक पहुँच सके दूर वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी है और जो लोकल बच्चे हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। देखिए हर एक स्कूल में आगे बढ़ाने का जो काम होता है वो अभिभावकों का होता है। मैंने एग्जाम में मैंने यहाँ पे जो बच्चे आज के एग्जामिनेशन में छूट गए हैं या किसी कारणवश उनके स्कूल का इंटरनल एग्जाम चल रहा था जिसके कारण नहीं आया है, तो कुछ बच्चे जिनका छूटा हुआ उनके लिए फिर से एक मौका है 8 अक्टूबर ऑक्सफर्ड पब्लिक स्कूल से। दरअसल बात यह है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ मैं पढ़ने के लिए आई हूँ, तो ऑक्सफर्ड में पढ़ती हूँ और आज मेरा सेंटर यहाँ पड़ा तो मैं दोस्त लोग के साथ यहाँ आई थी। जी क्या जानकारी देंगे सर कि अभी हम देखें कि तमाम जिले के स्टूडेंट तमाम स्कूल के स्टूडेंट आपके स्कूल में अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो क्या चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं और ऐसा क्या वो ये एग्ज़ाम से है जो कि बच्चे को आगे के लिए उनको काम आएगा? जी आज ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये मेंटर सीडूसर्फ कोचिंग सेंटर है पटना में, जिसके द्वारा ये रिवार्ड एग्ज़ामिनेशन है जिसमें जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो अपना टैलेंट दिखाते हैं, चाहे वो मेडिकल में जाना हो या इंजीनियरिंग में जाना हो, तो उस कोचिंग संस्थान में यदि एडमिशन लेते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा फी में रिबेट मिलता है और टॉप 40 स्टूडेंट का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जिस एजुकेशन में कोचिंग संस्थान में रहने का खाने का और पढ़ने का इस लॉजिंग फूडिंग और टीचिंग ये सभी टॉप 40 स्टूडेंट के लिए फ्री है। और इसके अलावा जो बच्चे ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर करते हैं उनको उस ढंग से उनका डिस्काउंट होता है फ़ी में, यानी कि जितने मैक्सिमम मार्क्स लाते हैं उनका मिनिमम फ़ी लगेंगे, जिनका मिनिमम मार्क्स लाते हैं उसका मैक्सिमम फ़ी लगेगा। कितना मार्क्स कितना लाना पड़ता है सर इसमें? कम से कम जो कि पास हो जाए 240 मार्क्स का फुल एग्जामिनेशन है, कम से कम आपको 60% स्कोर करना है। अच्छा। हाँ, और अगर कम आएगा सर तो फेल कर जाएगा सर? जी कम आएंगे तो फेल होंगे जी। कितने जिले के स्टूडेंट आज यहाँ पे जमुई जिले के विभिन्न स्कूलों से बच्चे आए हुए हैं, जिसमें आपका नवोदय विद्यालय है, DAV विद्यालय है, आपका सिमुलतला विद्यालय है और भी कई से स्कूल से जैसे झाझा के कुछ स्कूल्स हैं, कुछ जमुई के स्कूल्स हैं, बांका जिला से भी आए हैं। हाँ, बांका जिला से। स्वाभाविक सी बात है कि नवोदय विद्यालय और DAV ये सिमुलतला का जो बच्चे होते हैं वो इधर उधर से भी होते हैं। मेरा नाम आलोक जायसवाल हुआ और मैं आया हूँ जमुई में अपने सैनिक आवासीय विद्यालय में मेंटर्स का प्रतिनिधित्व करने। आज मेंटर्स बिहार झारखंड में होने वाला सबसे बड़ा टैलेंट रिवार्ड एग्ज़ाम जिसको हम लोगों ने मीटर नाम दिया है, मेंटर्स एडूसर्व टैलेंट रिवार्ड एग्ज़ाम, वो सर के हेल्प से हमारे प्रिंसिपल सर के हेल्प से यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें हम लोग टोटल 28 करोड़ का रिवार्ड्स बिहार झारखंड के बच्चों को देने वाले हैं। तो आप कहाँ से हैं सर, कौन सा स्कूल से हैं सर? मैं तो वैसे मतलब सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी मैं एज ए प्रोफेशन मेरा मतलब मैं मेंटर्स में टीचिंग करता हूँ और मैं फिजिक्स का लेक्चरर हूँ मेंटर्स में। जी, इसका इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार ये जानकारी दीजिएगा सर कि ये होता क्या है सर? एक्चुअली मेंटर्स IIT और मेडिकल के लिए। अच्छा, ठीक है, एक रिनॉन्ड कोचिंग का काम करता है और बहुत सारे बच्चे मेंटर्स के थ्रू IITs में, बड़े IITs में और एम्स में जा चुके हैं, PMCH में जा चुके हैं और हम लोग वैसे बच्चों को भी सेलेक्ट करते हैं जो मतलब समाज के गरीब तबके से आते हैं, ठीक है, और उनको भी मोटिवेट करके आर्थिक रूप से शैक्षणिक रूप से उनको आगे बढ़ाने का काम करता है मेंटर्स। तो ये मेंटर्स में जो स्कूल में सर पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई लखीसराय जिला के स्टूडेंट है सर, वो अगर चाहेंगे इसमें भाग लेने के लिए उनके लिए क्या प्रावधान? हाँ, तो जैसे मतलब लखीसराय ज़िला में जैसे हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं सैनिक आवासीय विद्यालय के, ये अपने स्कूल में भी टेस्ट कंडक्ट कराए, लखीसराय में भी एक हमारा सेंटर है वहाँ पर भी टेस्ट कंडक्ट हो रहा है और बिहार के बहुत सारे जगह पर एक ही साथ
एक अक्टूबर को आज के ही दिन लाखों बच्चे, हजार नहीं बोलिए, लाख की संख्या में बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी स्कूल का बच्चा इसमें भाग ले सकता है? हाँ हाँ हाँ, पूरे बिहार झारखंड के किसी भी स्कूल के अच्छा। मतलब किसी भी विद्यालय के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। तो इसमें फिर अगर जो बच्चा भी भाग नहीं ले पाए हैं सर, तो कैसे इसमें भाग ले? मतलब इसके बाद एक और हमारा एग्ज़ाम होने वाला है मीसेट, आप उसके थ्रू फिर से मतलब टैलेंट रिवार्ड एग्जाम दे सकते हैं। कैसे एक बार सर इसका प्रोसेस का कैसे इसमें प्रोसेस ये है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और आप मेंटर्स के मतलब ये मेंटर्स के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके और मतलब ज़्यादा जानकारी इसके बारे में आप ले सकते हैं। जी, 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 जी। लेकिन जैसे अभी मान लीजिए कोई बच्चा है सर इसमें एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो उनको पहले ऑनलाइन कराना पड़ेगा? हाँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑफलाइन भी सेंटर्स हैं, ऑफलाइन सेंटर पे आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ऑनलाइन भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं मेंटर्स के थ्रू, ठीक है। ये हमारा मीटर का पहला स्टेज है, एक और मीटर का स्टेज होगा, फिर मीसेट एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो हम लोग मल्टीपल चांसेस देते हैं बच्चों को अपने साथ जुड़ने का। अच्छा, और कितने एग्ज़ाम होगा सर? इससे पहला एग्ज़ाम ये होगा, इसके बाद और एक हमारा है मीसेट जो कि जस्ट अभी लॉन्च होने वाला है, मतलब उसके डेट की घोषणा हमारे डायरेक्टर सर ने अभी नहीं की है, लेकिन मे बी दिवाली के शुभ अवसर पर वो सर फिर एक रिवार्ड एग्जाम कराएंगे बिहार झारखंड के बच्चों को। उसका क्या प्रोसेस रहेगा? बस वही कि ऑनलाइन आप रजिस्टर कीजिए, ठीक है, और फिर हमारे टैलेंट रिवार्ड एग्जाम में भाग लीजिए। तो सर से जानकारी लिए और हमको भी पहली बार ये सब चीज़ों को दिखा रहे हैं चैनल पर, सभी लोगों को ये जानकारी नहीं है, तो जरूर है कि आप इस वीडियो को देखिए, सर के माध्यम से ही आपको सारा जानकारी मिलेगा कि कोई भी बच्चे अगर इसमें भाग लेना चाहते हैं तो भाग ले सकते हैं, और इनका प्रोसेस के बारे में भी सर बता रहे हैं। तो चलिए फिर जैसा होता है फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट देंगे नेक्स्ट डेट के बारे में। जी, तो जय हिंद जय भारत।